ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कार्ड्स आर फ्लोइंग, कार्ड्स आर ऑलरेडी फ्लोइंग। क्या बात है, कोई शिफ्ट है, कुछ मूव है। पाइसेस देख लेते हैं। तो पहला कार्ड जो था वो व्हील ऑफ फॉर्चून का था। दैट मीन्स देयर इज़ अ शिफ्ट, देयर इज़ अ चेंज। ओके, अब वो क्या चेंज है थोड़ा सा पूछेंगे ज़रा एंजल्स को, कि एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि क्या बताना चाहते हैं आप, जो एनर्जी इतनी फ्लो कर रही है पाइसेस। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है। आई डोंट नो, ये एक सॉन्ग है, मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है, शायद मे बी पाकिस्तानी सॉन्ग, आई डोंट नो, नेवर माइंड। ओके, सो एनर्जी क्या है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो पाइसेस आप एक डेस्परेट यू नो नीड में है चेंज के, ऑफ कोर्स एक चेंज चाहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, कि आप चाहते हैं दो चीज़ें हैं, या तो आप खुद के लिए, हो सकता है कि खुद के लिए आप चेंज चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी, देर इज़ अ फायरी, वेरी वेरी फायरी एनर्जी, कि बस यू नो, या तो आपने गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया, इट्स लाइक दैट। ओके, या कुछ पोजीशन को लेके हो सकता है, या खुद को कुछ कुछ प्रूव करना है। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कोई करियर को लेके हो सकता है, यू नो, पोजीशन, करियर, ग्रोथ, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक यू नीड अ चेंज। ओके, और बहुत फायरी एनर्जी है शोइंग अप। हो सकता है आप फायर साइंस हैं, जिन कोई है जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, एंड लाइक नंबर 10 ऑल्सो वी आर गेटिंग। सो चाहते हैं कुछ मतलब टाइम ले रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ कंप्लीट हो जाए, अ कंप्लीशन और अ चेंज यू आर लुकिंग फॉर, आप चेंज चाह रहे हैं कुछ के लिए। मैंने आपको बोला ना, ये कनेक्शन हो सकता है, इट इज़ अबाउट अ कनेक्शन। इट ये एक पर्सन के बारे में हो सकता है, कनेक्शन के बारे में हो सकता है, या आप चाह रहे हैं कि कोई आपको एक्सप्रेस करे, फाइनली ओपन अप हो, या बिजनेस मीटिंग हो सकती है, या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस काफ़ी टाइम से, दिस एंड दैट। तो वैसी सी एनर्जी है। अब क्या है वो थोड़ा आगे से एंजल से पूछ लेते हैं, कि एंजल्स किस बारे में कहना चाह रहे हैं। अगर लव की बात है तो चलिए पूछ लेते हैं एंजल से। ओके, सो आपके पर्सन, पहले मैं बताऊं कि वो उलझे से हुए हैं कहीं, अगेन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं पाइसेस, ठीक है, आधे से ज़्यादा पाइसेस तो सिंगल ही हैं, ठीक है। तो जो है वो जो डील कर रहे हैं किसी के साथ, या कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो पर्सन कॉम्प्लिकेशंस में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके अराउंड। और ये जो पर्सन है, लाइक ऑल्दो दे हैव एन आई ऑन यू, और उनको पता है, और उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और शायद वो ऑफ़र भी करना चाहते हों, या ऐसी कोई एनर्जी है। बट आपकी एनर्जी क्या है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, देखिए दो चीज़ें हैं, वर्किंग ऑन योर डिज़ायर, कि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं पाइसेस, इट्स अबाउट दैट। ही शायद हो सकता है कि आप अब मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके खुद पे काम कर रहे हैं। सो वंडरफुल एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है यू आर वर्किंग, यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, और आपको लगता है कि ऑफ कोर्स मतलब पाइसेस उस जोन में है,
और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए हों, बट दिस पर्सन सीम्स लाइक ऑन ऑफ। थर्ड पार्टी में ये भी है कि वो हो सकता है और लोगों से भी डील कर रहे हों, बिकॉज दिस पर्सन सीम्स टू बी सीक्रेटिव, थोड़ा सा सीक्रेटिव है ये पर्सन। ओके, सो आउटकम इस हफ्ते के लिए क्या है? आउटकम ये है कि आप जस्ट कैजुअल, मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग, कम्युनिकेशन, बात करना, क्योंकि पाइसिस को कुछ स्टेबल चाहिए और दिस इज़ नॉट इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ भी अभी आप लाइक चाहे नो कॉन्टैक्ट हो या कैजुअल कनेक्शन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सीम्स लाइक वेरी इमेच्योर। मुझे लगता है ये आपके चेकआउट भी करते हैं, आपके ऊपर स्पाई भी करते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे लग रहा है वो इनफ नहीं है। ओके, तो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि इट्स लाइक टॉकिंग और जस्ट सिंपली यू नो मतलब एक दूसरे से बात करना, या हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक आई डोंट नो बात करना और फिर गायब हो जाना। सो बेसिकली जो भी सारा ध्यान है, जो भी सारा फोकस है, मुझे लग रहा है वो आप अपने पे ही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वही एनर्जी मुझे वापस से दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ, स्पेशली दिस वीक, ठीक है, इस हफ्ते। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके ओके। सो जो लोग मैरिड हैं, कपल हैं, तो एंजल्स उनको तो कह रहे हैं कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देते हैं, हम लाइक कौन होते हैं पेरेंट्स को माफ़ करने वाले, ठीक है, बट स्टिल हो सकता है कई बार ग्रजेस होते हैं ना माइंड में कुछ, या बातें पुरानी होती हैं, आई डोंट नो वो कैसे रिलेट करता है आपको, बट येस ये एंजल्स कह रहे हैं कि आपको लेट को करने की ज़रूरत है, चीज़ों को यू नो कम्प्लीटली फॉरगेट करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को चांस, हो सकता है कि आप एक अपने रिलेशनशिप को यू नो मेंड करें, चांस दें, वो वर्किंग ऑन योर पार्टनरशिप की कोशिश करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये स्पेशली मुझे लग रहा है ये मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड कुछ के लिए ये मैसेज आ रहा है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, सो दैट इट कम्स टुवर्ड यू। तो आपको चुनना होगा आप क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट आप अपने आप को कैसे सोचते हैं अपने फ्यूचर में, क्या चाहते हैं आप, ओके, वो एनर्जी आपको लाइक डिवाइन की तरफ से वो मैसेज है आपके लिए। सो आई थिंक इट्स बेटर टू चूज़ योर सेल्फ। मुझे लग रहा है फाइनेंसिस एंड करियर का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ लोग फाइनेंसिस के लिए भी वरिड हैं, एंड मोर ओवर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन भी तो इसीलिए क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि इनको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या प्रेशर्स हैं जो उनको यू नो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इस पर्सन को अपनी सिचुएशन से खुद डील करना होगा, हु एवर इट इज़, ठीक है। तो पाइसिस के लिए, ओके, जस्ट अ क्वेश्चन कि पाइसिस के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। तो पाइसिस के लिए आई थिंक पाइसिस इट्स अबाउट वी आर गेटिंग अ लिटिल, आई डोंट नो, कोई मेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है और यंगर एनर्जी, समबडी यू नो वेरी एक्सप्रेसिव, कम्युनिकेटिव। एज देखिए, अब यहाँ पे ये है कि एज कुछ भी हो सकता है, आपसे थोड़ी यंग हो ये पर्सन, फ्यूचर में कोई आपकी तरफ आ सकता है, फायर साइन और अर्थ साइन, ओके, हो सकता है दिस पर्सन में भी वेरी कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, ओके, एंड लविंग, वेरी लविंग, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ओके, कि पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा हो, अगेन वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी से आपकी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन, चाहे वो सिंगल है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, और अ पास्ट पर्सन रिटर्निंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि पास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट ये दिखाई दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, ओके, सो this is what we are getting, so you need to you know let go of things, and moreover मुझे ऐसे लगता है it's like
आपको खुद ही इसमें से निकलना होगा, अपने आप को इस चेंज इसमें से बाहर निकालना होगा। ओके चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज स्पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो करियर वाइज अगेन चेंज फाइनेंशियली सीम्स टू बी वेरी गुड। ये हफ्ता फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत अपने फॉर्म में हैं, आप मन बना चुके हैं दैट यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं इसमें। सो यू विल अचीव अ लॉट। ओके ये हफ्ता फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फेवरेबल दिखाई दे रहा है। एंड आपके आई डोंट नो, बार बार मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ बट येस मे बी इट्स अ न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब है या आपको कुछ अच्छे यू नो लाइक बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसिस गेटिंग इन ग्रेट शेप, लकी यू नो यू सीम टू बी लकी दिस वीक। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और क्या बोलूँ, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। तो बेसिकली करियर वाइज इट्स अबाउट अ ग्रेट चेंज एंड इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम टू यू नो टू सेव मनी। मनी के लिए अच्छा है और आप काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। ओके सो गाइडेंस ये है कि खुद में देखिए ब्लॉक चक्र, तो खुद में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। दो डॉल्फिन्स दिखाई दे रही हैं। सो बेसिकली एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं, देखिए बड़ा ही एक डीप मैसेज है कि आपको शायद ये लगता हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, कोई भी एक्स वाई जेड, तो आप खुश होंगे। प्लीज़ टाइम स्टैम्प दिस, क्योंकि ये सुनना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है, जिन्होंने अपनी लव रीडिंग सुनी और जो लोग चले जाते हैं, तो ये सबके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी पर्सन के आने से आप खुश होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। यू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू कि आप पास्ट में हैं या कुछ सोच रहे हैं। ओके और लेकिन मैंने सुना था कि अगर एक कोट सुना था कि अगर आप दुखी हैं दैट मीन्स आप पास्ट में जी रहे हैं, और अगर आप चिंता में हैं दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ फ्यूचर, बट इफ़ यू आर फाइन यू आर लाइक ओके दैट मीन्स यू आर लिविंग इन प्रेजेंट। तो दैट मीन्स कि पास्ट का कुछ है, ओके सो उसको जाने देना होगा, लेट गो करना होगा एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। किसी के आने से किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस कि अगर आप हैप्पी हैं, अगर कोई धोखा दे के गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनका कर्मा है, ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। और दूसरा ये है कि अगेन देखिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसका मतलब है वही चीज़ बोल रहे हैं एंजल्स। अभी देखिए अभी मैंने वो कार्ड देखा कि आप पास्ट में जी रहे हैं, तो पास्ट में जीना बंद करना होगा एंड यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, हैप्पी गो लकी। ओके सो बी द लाइट, शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, केयरिंग का कार्ड आ रहा है। ओके सो केयर अबाउट योर फीलिंग्स, केयर अबाउट योर सेल्फ। ओके ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे एंड फ्री योर सेल्फ, ठीक है। ये एनर्जी अभी हमें दिखाई दे रही है एंड मोर ओवर येस जो कनेक्शन आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, सो इट्स लाइक मे बी आपकी लाइफ में वो जल्दी ही आएगा। द मैस्कुलिन एनर्जी, ओके आई डोंट नो व्हाई बट बार बार मेरे पास वो फायरी एनर्जी, फायर टाइम, और मे बी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। आपकी इंट्यूशन आपको सही कह रही है, ओके आपकी लाइफ में पहले अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बी स्टेबल, ओके और उसके साथ साथ हमें वो यू नो लाइक वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू मे कनेक्ट विद समबडी। और हो सकता है मे बी इट्स अबाउट सोशल, या आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं बाहर मिल सकते हैं, वेरी मच एक्सप्रेसिव पर्सन, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।